अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इकरा है, मैं लाहौर सिटी में रहती हूँ। मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो मोटरवे हादसा पेश आया इस पर अफसोस है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की ख़वातीन की हिफाजत फरमाए, आमीन। अब मैं आपसे अपनी बात शेयर करती हूँ। मैं एक साल पहले UMA क्लब में आई, जहाँ मैं बेसिकली वेट लूज़ के लिए आई थी। उस वक्त मेरा वेट 76 kg था और अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्ताफ़ जो हमारे कोच हैं, उन्होंने मेरी फ़िज़िकल फ़िटनेस की इस तरह से ट्रेनिंग की कि मेरा वेट अब 62 kg हो गया है। इसके अलावा सर अल्ताफ़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे मार्शल आर्ट्स भी सीखना चाहिए, मुझे सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहिए, क्योंकि बाकी गर्ल्स की तरह अमूमन मैं भी एक डरपोक लड़की थी जो अकेले ट्रैवल से डरती थी, जो किसी से बात करने से घबराती थी। फिर सर अल्ताफ़ ने मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाया, मुझे ट्रेनिंग करवाई, मुझे मार्शल आर्ट सिखाया और एक स्ट्रॉन्ग लड़की बना दिया। वो लड़की जो सबसे डरती थी, जो डरी सहमी रहती थी, वो एक स्ट्रॉन्गर बन गई। मुझमें इतना कॉन्फिडेंस डिवेलप हो गया कि अब मैं बाहर अकेले ट्रैवल करने से घबराती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अपना बचाव सेल्फ डिफेंस के ज़रिए कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हर लड़की से ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो एक लफ्ज़ हमारी सोसाइटी को कमज़ोर बना रहा है, जो बचपन से हर लड़की सुनती है कि तुम एक लड़की हो, कमज़ोर हो, तो इसने तमाम गर्ल्स को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर ही नहीं पाती। अल्लाह पाक ने हमें बनाया है और इतना मज़बूत बनाया है कि हर लड़की अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है। हम अल्लाह पाक की रहमत हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। इसीलिए गर्ल्स को चाहिए कि वो अपने लिए कदम उठाएं, सेल्फ डिफेंस सीखें और तमाम लोगों को बता दें कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। थैंक्स टू अल्लाह कि मेरे फादर मुझे इस क्लब में लाए और सर अल्ताफ़ ने एक डरी सहमी इकरा को एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बना दिया। अल्लाह हाफिज़। करने को है बादलों पे रख के कदम, आसमां को छू ले हम, खुद से है ये मुकाबला, दिल कहता है कुछ कर दिखा।